मार्क बाउचर। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी होगा जो इस नाम को नहीं जानता हो, जिसने अपने क्रिकेट करियर के दौरान शानदार विकेट कीपिंग और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। मार्क बाउचर का जन्म 3 दिसंबर 1976 को साउथ अफ्रीका के ईस्ट लंदन में हुआ था। उनका पूरा नाम मार्क वेरडॉन बाउचर है। उनके पिता का नाम वेरडॉन बाउचर और माता का नाम हैदर बाउचर है। बाउचर को अपने स्कूल के दिनों से ही स्पोर्ट्स से लगाव हो गया था। वो सेलबोर्न प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान क्रिकेट, स्क्वाश, स्विमिंग, टेनिस और रग्बी जैसे खेलों में पार्टिसिपेट करते रहते थे और वो इन सभी खेलों में काफी अच्छे भी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में जूनियर साउथ अफ्रीकन स्क्वाश चैंपियन का टाइटल भी जीता है। लेकिन जब बाउचर हाई स्कूल में पहुंचे तब वो उस समय स्कूल के कोच रहे लेजेंड रिचर्ड पाइबस के नजरों में आए। जब रिचर्ड पाइबस ने मार्क बाउचर का खेल देखा तब उन्होंने बाउचर को सलाह दी कि वो बाकी खेलों को छोड़कर क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने की सोचे। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी कि उन्हें बतौर विकेट कीपर बैट्समैन इस खेल में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। लेकिन बाउचर शुरुआत में विकेट कीपर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच रिचर्ड पाइबस को अपनी स्कूल टीम के लिए एक बेहतरीन विकेट कीपर की तलाश थी। इसी वजह से उन्होंने एक दिन विकेट कीपिंग ट्रेनिंग कैंप लगाया और सभी खिलाड़ियों को बारी बारी से ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग करने को कहा। उन खिलाड़ियों में बाउचर सबसे आगे थे। रिचर्ड पाइबस उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, वह उस समय एक टिड्डे की तरह दुबला पतला सा लड़का था, लेकिन इसके बावजूद वह एक कमाल का एथलीट था। उस समय मुझे लगा कि ये लड़का एक अच्छा विकेट कीपर बन सकता है, इसलिए मैंने उसे दस्ताने पहनने को दिए और पूरे समय विकेट कीपिंग करने के लिए कहा। वह इससे बहुत खुश नहीं था और ट्रेनिंग के बाद वो सीधे घर चला गया। घर जाकर उसने अपने पिता से कहा कि इस उम्र में वो सिर्फ एक गेंद का पीछा करना चाहता है, ना कि विकेट के पीछे बैठकर गेंद का इंतजार करना। इसलिए वो शुरुआत में कभी भी विकेट कीपिंग मन लगाकर नहीं करता था। लेकिन जल्द ही बाउचर को इस बात का एहसास हो गया कि उनके कोच ऐसा क्यों चाहते हैं और उस दिन के बाद से उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग में भी कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। इस तरह वो टिड्डे सा एक दुबला पतला लड़का एक महान विकेट कीपर बल्लेबाज बनने की राह पर निकल पड़ा। इसी बीच उन्हें साउथ अफ्रीका के अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाली टीम के लिए भी चुन लिया गया। जूनियर क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद साल 1995 में बाउचर का सिलेक्शन साउथ अफ्रीका की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली टीम बॉर्डर के लिए भी हो गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के दौरान ही साल 1997 में उन्हें साउथ अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ से भी बुलावा आ गया। इस तरह उन्होंने 17 अक्टूबर 1997 को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। वो अपने डेब्यू टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। विकेट कीपिंग में भी उन्हें कुछ खास करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये मैच लगातार हो रही बारिश की वजह से ड्रॉ घोषित कर दिया गया था। लेकिन साल 1998 की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका टूर में आई पाकिस्तान टीम के खिलाफ ही उन्होंने पहले टेस्ट में 78 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। इसी मैच में उन्होंने शानदार विकेट कीपिंग करते हुए 3 कैच भी लपके। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में वो अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग की वजह से भी सुर्खियों में आ गए थे। इस मैच में उन्होंने पहले बल्ले से कमाल दिखाते हुए 52 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, फिर शानदार विकेट कीपिंग करते हुए 8 कैच और एक स्टंप आउट की मदद से कुल 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, जिसकी मदद से साउथ अफ्रीका ने यह टेस्ट 259 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। बाउचर को उनकी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इसी साल उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। उस दौर में साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग थी कि उस दौरान बाउचर को ओडीआई क्रिकेट में बल्लेबाजी का मौका बहुत ही कम मिल पाता था। अगर मिलता भी था तो वो भी आखिर के ओवरों में, जहां उनके पास बड़ी पारियां खेलने का मौका नहीं होता था। यही वजह है कि बाउचर को अपनी पहली ओडीआई हाफ सेंचुरी लगाने के लिए भी 17 मैचों का इंतजार करना पड़ा।
इस दौरान उन्हें 6 बार तो बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने अपने 18वें ओडीआई मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 51 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की। साल 1999 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 100 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को ये टेस्ट सीरीज 5-0 से जीतने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक भी था। इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 125 रनों की एक और लाजवाब पारी खेली और टीम की जीत में अपना अहम योगदान दिया। काफी कम लोगों को यह पता होगा कि बाउचर को उस मैच में एक नाइट वॉचमैन के तौर पर क्रीज पर भेजा गया था और उन्होंने उस मैच में ही शतक लगाकर साउथ अफ्रीका की तरफ से किसी भी टेस्ट नाइट वॉचमैन बैट्समैन द्वारा सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी बना दिया। साल 2006 में जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के फाइनल मुकाबले में खेली गई मार्क बाउचर के उस बेशकीमती 50 रनों की पारी को भला कौन भूल सकता है। ये वही मैच है जिसमें हर्षल गिब्स ने अपनी विस्फोटक पारी से ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के रिकॉर्ड विशाल स्कोर को भी छोटा साबित कर दिया था। लेकिन एक वक्त पर हर्षल गिब्स के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम मुसीबत में आ गई थी। तब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए मार्क बाउचर और उन्होंने इस हाई प्रेशर वाले मैच में अपनी सूझबूझ और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल में फंसी अपनी टीम को एक विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए ये ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम कर दी। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में खेलते हुए महज 68 गेंदों में नाबाद 147 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपना पहला एकदिवसीय शतक भी बना दिया। इस मैच में उन्होंने महज 44 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी, जो कि किसी भी विकेटकीपर बैट्समैन द्वारा ओडीआई क्रिकेट में बनाई गई अब तक की फास्टेस्ट सेंचुरी भी है। फिर साल 2007 का वर्ल्ड कप आया। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ 36 गेंदों में नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेलकर टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की। इसी मैच में उन्होंने 21 गेंदों में हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, जो कि उस समय वर्ल्ड कप में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाई गई फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी थी, जिसे इसी वर्ल्ड कप में ब्रैंडन मैकुलम ने कनाडा के खिलाफ 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर बीट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के महत्वपूर्ण मुकाबले में भी 23 गेंदों में 52 रनों की एक और तेज तर्रार पारी खेली और अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए, जिससे साउथ अफ्रीका की टीम आखिर तक उबर नहीं पाई और ऑस्ट्रेलिया से ये मैच 7 विकेट से गंवाकर वर्ल्ड कप के रेस से बाहर हो गई। इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्होंने मखाया एंटीनी की गेंद में दानिश कनेरिया का कैच पकड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 400 कैच लेने का माइलस्टोन भी अपने नाम किया। साल 2009 में क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। नवंबर 2011 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में फिलिप ह्यूज का कैच पकड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 500 कैचेस लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन साल 2012 में समरसेट के खिलाफ एक काउंटी मैच के दौरान लेग स्पिनर इमरान ताहिर की गेंद पर विकेट कीपिंग करने के दौरान गेंद विकेट से टकराकर मार्क बाउचर की आंखों पर आ लगी। ये चोट इतनी गंभीर थी कि बाउचर को उस आंख से दिखना ही बंद हो गया था। बाद में तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आंखों की सर्जरी की गई। लेकिन सर्जरी के बावजूद उनकी आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही। इस घटना के तुरंत बाद ही इस महान विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की भी घोषणा कर दी। इसी के साथ शानदार विकेट कीपिंग के एक युग का अंत हो गया। वो सही मायनों में एक लाजवाब विकेट कीपर थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग की बदौलत साउथ अफ्रीका के साथ साथ विश्व क्रिकेट को भी कई शानदार यादें दी है। अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआत में क्रिकेट विश्लेषकों ने बाउचर के बैटिंग और विकेट कीपिंग टेक्निक पर सवाल भी उठाए थे और उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस की बदौलत अपनी गलतियों में सुधार किया और आगे चलकर एक महान विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ साथ एक अच्छे फिनिशर के रूप में विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 147 टेस्ट मैचों में 30.30 की औसत से 5 शतकों और 35 अर्धशतकों की मदद से 5,515 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 125 रन है। वहीं 295 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28.57 की औसत से
एक शतक और 26 अर्धशतकों की मदद से 4686 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 147 रन है। उनकी विकेट कीपिंग की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 532 कैच पकड़े और 23 स्टंप आउट किए हैं। वहीं एकदिवसीय मैचों में 403 कैच पकड़े और 22 स्टंप आउट किए हैं। उनके ये आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी है कि वो कितने शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज थे, और विकेट कीपिंग में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर विकेट के पीछे सबसे ज्यादा 999 शिकार करने के साथ साथ सबसे ज्यादा 953 कैच भी पकड़े हैं, जो कि अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। अगर हम उन्हें विकेट कीपिंग का जीनियस कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को हमेशा इंजरी और कंट्रोवर्सी से बचाए रखा और केवल अपने खेल पर फोकस करते रहे। वो आईपीएल के पहले 3 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा रहे, लेकिन साल 2011 के आईपीएल सीजन में उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जिसकी वजह से वो पहले कुछ मैचों में कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ब्रैड हेडिन के एन मौके पर चोटिल हो जाने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाउचर को हेडिन के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर लिया। इस तरह वो कमेंट्री बॉक्स से अचानक डगआउट में पहुंच गए थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही कार्मेन लोटर से विवाह किया है। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने कोचिंग के फील्ड में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। साल 2019 में उन्हें साउथ अफ्रीका के नेशनल क्रिकेट टीम का हेड कोच भी अपॉइंट किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी इस भूमिका को भी बखूबी निभाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी साउथ अफ्रीका के महान विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।